गाइस, मैं हूं मोनल और मैं वीडियो बनाती हूं फैशन ब्यूटी लाइफस्टाइल डेकोर के ऊपर। और आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूं अपना डेली नाइट टाइम किचन क्लीनिंग रूटीन। यस गाइस, मैक्सिमम टाइम आपको मैं नाइट में यही करते हुए दिखूंगी, क्योंकि मेरा जैसे कि आप देख सकते हो किचन बहुत छोटा है, तो आई नीड टू क्लियर अप द स्पेस, क्योंकि अगर मैं वो क्लियर नहीं करूंगी तो मेरे पास स्पेस नहीं बचता है। तो दैट्स वाई इट रियली गेट्स इम्पॉर्टेंट कि मैं डेली इसको ऐसे क्लीन करके सोऊं, क्योंकि अगर मैं बर्तन वॉश नहीं करूंगी तो स्मेल आते रहेगी एंड दैट विल बी वेरी बैड थिंग, क्योंकि घर छोटा है तो अच्छा नहीं लगता। तो मैं क्या करती हूँ, मैं सारे जो बर्तन हैं पहले वॉश कर लेती हूँ, और सबसे पहले जो भी लेफ्ट ओवर जो हमारा खाना होता है प्लेट में रह जाता है पहले उसे मैं थ्रो कर देती हूँ। एंड देन उसके बाद जो आप ना सिल्वर कलर का जो शीट देख रहे हो उसके ऊपर आई मेक स्पेस सो दैट मैं अपने बर्तन जो है वॉश करके उसमें रख सकूं। तो मैं पहले क्या करती हूँ, एक नैपकिन डाल देती हूँ उसके ऊपर, सो दैट जब भी मैं कोई भी बर्तन वॉश करूंगी जब मैं उसके ऊपर रखूंगी तो जो वाटर एक्सेस वाटर है वो एब्जॉर्ब कर लेगा नैपकिन, उससे जो वो एरिया है वो ज़्यादा गीला नहीं होगा। नाउ वीकेंड्स में मैं स्किप कर देती हूँ ये पार्ट, क्योंकि मैक्सिमम टाइम वी गो आउट एंड ईट इन वीकेंड्स, लेकिन बाकी जो दिन होते हैं लंच और डिनर के बाद ये रूटीन मुझे करना ही पड़ता है, क्योंकि अगर मैं लंच के बाद नहीं करूँगी तो मैं डिनर नहीं पका पाऊंगी एंड अगर मैं डिनर के बाद नहीं करूँगी तो अच्छा नहीं लगेगा। अब बर्तन वॉश करने के बाद मैं तुरंत उनको पैट ड्राई कर देती हूँ, क्योंकि मुझे मैं उस मेरे पास स्पेस नहीं है उसको रखने के लिए, तो आई हैव टू ड्राई इट और मैं उसकी जो भी रिस्पेक्टिव प्लेसेस है वहाँ पे रख देती हूँ। तो ड्राई करके तुरंत रखना मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है सो दैट मैं आगे के काम के लिए स्पेस बना सकूँ वहाँ पे। जैसे कि जो दाल हमारी बच जाती है, सब्जी बच जाती है, उसे मैं एक कंटेनर में ट्रांसफर करके उसको पैक करके मैं फ्रिज में रख देती हूँ, जैसे हम सब ऐसे ही करते हैं। नेक्स्ट डे वो काम में आ जाएगा, इसलिए मैं जो बचा हुआ खाना है वो मैं कंटेनर में ट्रांसफर कर दे रही हूँ, और जो बर्तन से मैंने जो खाली किया मैं उसको वॉश करके तुरंत रख दूंगी। अब सारा जो खाना है वो ऑलमोस्ट खाली करके जो भी है वो सब मैं फ्रिज में रख देती हूँ, और मैं जो एग्स है वो पहले बॉईल करके रख देती हूँ सो दैट मेरे को दो तीन दिन काम में आ सके। तो मैं इसलिए 4-5 एग हमेशा एक साथ बॉईल करके फ्रिज में रख देती हूँ, ख़राब नहीं होते, तो डेली मैं एक एक करके इसे खा सकती हूँ। सो वो भी मैं नाइट टाइम में करके रख देती हूँ। नाइट में मैं एक और चीज़ करती हूँ, मैं चेक कर लेती हूँ फ्रिज में कोई चीज़ ख़राब तो नहीं हो रही है या एक दो दिन की तो नहीं रखी हुई है, तो मैं निकाल रही हूँ। मेरे पास एक डब्बा मिला जिसमें मैंने ऐसे चीज़ मेल्ट डाउन करके रखा था, तो वो थोड़ा मुझे लगा कि अब यूज़ नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं उसको खाली कर ले रही हूँ एक पैकेट में। और अब जितने भी बर्तन मेरे खाली हो गए अगेन मैं उनको वॉश करके रख दूंगी, और जो मैंने जो यू नो खाना लेफ्ट ओवर जो भी था वो पैकेट में मैं उसे डस्टबिन में डाल दूंगी।
अब जब सारे मैंने यूटेंसिल्स जो बर्तन है वो अपनी अपनी जगह पे जमा दिए हैं, तो मैं जो नैपकिन जो मैंने बिछाया था उसमें से एक्सेस वाटर निकाल के मैं उसे बाहर सूखने के लिए डाल दूंगी। और उसके बाद अब मैं अच्छे से जो पूरा मेरा किचन का जो टॉप है, प्लेटफॉर्म है, ओटा है, जो कुछ भी आप बोलना चाहो, उसको वाइप करना स्टार्ट करूंगी। मैं ये शीट हमेशा बिछा के रखती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो भी गर्म बर्तन है वो मैं उसके ऊपर निकाल के रख सकती हूँ, या फिर कोई भी कटिंग चॉपिंग या हल्दी जो भी कुछ गिर रहा है वो इसके ऊपर गिरेगा, नहीं तो जो मेरा वाइट कोरियन टॉप है उसके ऊपर स्टेन पकड़ने का डर है मुझे, इसलिए मैं हमेशा इसके ऊपर ही जो भी काम करना है मसालों का वो इसके ऊपर ही करती हूँ। तो अभी मैं पहले जो भी पानी जो थोड़ा बहुत है उसको निकाल दूंगी, और मैं ये डेली जो साइड में आप देख रहे हो जो डिश वॉश क्लीनर है, हैंड वॉश है, वो सबको क्लीन कर लेती हूँ क्योंकि वहाँ पे भी बर्तन धोते वक्त पानी चले जाता है। तो इसलिए आई मेक श्योर कि मैं बॉटल्स को भी क्लियर क्लीन करके मैं वहाँ पे उसको सेट कर देती हूँ। और फिर उसके बाद मैं सिंक को वॉश करती हूँ, और सबसे पहले मैं टिशू पेपर लेके पहले जो एरिया जो मैंने वाइप किया उसको मैं और अच्छे से ड्राई कर लेती हूँ, सो दैट जब मैं उसके ऊपर अपना सिल्वर जो शीट है वो डालूँ तो वो वहाँ पे गीला ना रहे, क्योंकि अगर गीला रहेगा तो स्मेल आएगा एंड थोड़ा फंगस इन्फेक्शन, नॉट इन्फेक्शन, फंगस होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसलिए ऑलवेज मेक श्योर कि आप कोई भी चीज़ अगर किचन में स्पेशली ले डाउन कर रहे हो तो मेक श्योर कि वहाँ पे कोई वाटर या मॉइस्चर ज़्यादा ना रहे। तो मैं अभी टिश्यू की मदद से जो भी एक्सेस वाटर या मॉइस्चर जो भी है वो सब निकाल दूंगी, और उसके बाद मैं सिल्वर जो शीट है वो उसके ऊपर डाल दूंगी। अब जो भी सामान होता है टॉप के ऊपर वो मैं अपनी अपनी जगह पे सेट करना स्टार्ट कर दूंगी, और जो खाना है वो मैं हमेशा जो लाइक रोटी रह गई है वो मैं हमेशा जो गैस टॉप है उसके ऊपर रख देती हूँ। लेकिन अभी मैं एक और चीज़ कर रही हूँ, वो है थोड़ा सा जो साइड का एरिया है वहाँ पे कभी कभी मसाले गिर जाते हैं और तेल उड़ता है जब हम सब्ज़ी का मसाला भूनते हैं, तो आई मेक श्योर कि मैं वो भी डेली क्लीन करूँ, क्योंकि आप देख रहे हो स्पेस इतना कम है कि अगर मैं ये ना करूँ तो मेरा जो सामान है वो पूरा ख़राब होना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं ये अच्छे से वाइप कर लूँ आसपास का एरिया, सो दैट यू नो हमेशा के लिए स्टेन ना पकड़े। गैस स्टोव को भी मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं उसको भी अच्छे से एक वाइप दे दूँ, क्योंकि उसके ऊपर भी यू नो थोड़े से जब दाल पकती है तब दाल गिर जाती है या कोई भी पानी गिर गया तो उसको मैं यू नो क्लीन कर लेती हूँ, जैसे रोटी बनाते वक्त आटे के जो पार्टिकल्स है वो गिर जाते हैं, तो इसलिए मेक श्योर कि मैं वो क्लीन कर दूँ। अब बस ये सारा एरिया जो है मेरा ऑलमोस्ट क्लीन हो गया है, और बस ये मेरा लास्ट पार्ट होता है। अब मैं जो कपड़ा मैं जिससे मैं पोंछ रही थी उसको भी मैं यू नो अच्छे से वो उसका वाटर स्ट्रेन करके मैं उसको डाल दूंगी सुखाने के लिए बाहर। और मैं एक और चीज़ करती हूँ, मैं डेली थोड़ा सा कैबिनेट को एक बार एक जल्दी से क्विक वाइप दे देती हूँ, क्योंकि उसके ऊपर भी अगर कुछ गिरा तो वो भी क्लीन हो जाता है। वैसे भी सिर्फ दो ही कैबिनेट है तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मैं डेली एक हाथ उसके ऊपर लगा देती हूँ। तो बस ये था मेरा नॉर्मल किचन क्लीनिंग रूटीन। अब इसके बाद मैं अच्छे से अपने हैंड वॉश से अपना हाथ धो के मॉइस्चराइज कर लूँगी, और उसके बाद मैं रात को हम लोग ग्रीन टी पीते हैं तो मैं जो है गर्म पानी करने के लिए केटली में रख दूँगी, वो गर्म हो जाएगा। उसके बाद बस किचन का काम ऑलमोस्ट डन। तो ये होता है मेरा नाइट टाइम किचन क्लीनिंग रूटीन। आई होप गाइस आपको पसंद आया होगा, अगर आया तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, एंड इफ यू सब्सक्राइब तो आप बिल्कुल नोटिफिकेशन बटन को क्लिक करो सो दैट मेरी आने वाली न्यू वीडियो का आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो गाइस अगर आप चाहते हो मैं और भी कोई टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताना, और मैं मिलूंगी आपको बहुत जल्द एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल, बाय, गुड लक।